वही बात है कि मैं कल भी बात कर रहा था कि किंग कब करेगा, वो 12 इनिंग्स हो गई है उनको आखिरी, उन्होंने 2022 दिसंबर, हां 12 दिसंबर 2022 में उन्होंने खेली थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट लास्ट इनिंग जो खेली थी, 161 रन बनाए थे, उसके बाद से बाबर आजम का नहीं चला। मेरे ख्याल से बाबर आजम के ऊपर भी अगर बहस की जाए तो वही है कि जैसे मुश्ताक अहमद का वो बात वायरल हुई थी कि रेस्ट उनको भी मिलना चाहिए, और दूसरी चीज अभी जैसे अभी मोहम्मद हफीज ने आज स्टेटमेंट दिया, थोड़ा सा मैं इस पे आते हैं, ईगो का मसला मेरे नहीं बनाना चाहिए उसको। देखिए अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं इन चीज़ में, आप मेंटली तौर पे प्रेशर में हैं, आप पे सोशल मीडिया का बड़ा दबाव है, आप पे फैंस का बड़ा दबाव है कि यार परफॉर्म करें, तो आप ब्रेक ले सकते हैं। विराट कोहली एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, उन्होंने क्रिकेट में जब 2-2.5 साल हुए उनसे सेंचुरी नहीं बनी, उन्होंने ब्रेक लिया। ब्रेक लेने के बाद उन्होंने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो इवन के मैक्सवेल ने भी ब्रेक लिया था कुछ अर्से पहले, वो बिल्कुल अगर आप सारे लेते हैं इसमें कोई वो नहीं है। अगर आप मेंटली समझ रहे हैं कि आप डिस्टर्ब हैं, आप ज़्यादा अंडर प्रेशर आ गए हैं, आप मतलब 20-20, 25-25 सेट होने के बाद भी आउट हो रहे हैं, मेरा ख्याल है बाबर आजम अगर खुद से देखें उनको बिठाना, अगर बिठाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, तो फिर ये हो जाएगा कि जबरदस्ती रेस्ट करवाया, फिर वो एक अलग कॉन्ट्रोवर्सी हो जाएगी। टीम से आप घर बिठाएं, बाबर आजम को खुद फैसला करना चाहिए कि यार ठीक है नहीं हो रहा, थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, बाद में आएंगे ताज़ा दम होकर आएंगे। अच्छा लोग समझते हैं कि रेस्ट ये होता है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज में जो एक महीने का वक्फा है वो रेस्ट है, वो रेस्ट नहीं है, रेस्ट क्रिकेट से लेना है आपने। कुछ मैचेस आप जब टीवी पर बैठ के देखेंगे, अपनी पुरानी गलतियों को देखेंगे, कोचेस के साथ बात करेंगे, वो प्रॉपर रेस्ट होता है, जैसा कि विराट कोहली ने किया। उन्होंने तो बैट ही नहीं पकड़ा था, वो कह रहे थे मैंने 26-27 दिन बैट नहीं पकड़ा, लाइफ में पहली मरतबा हुआ है ऐसा ही हुआ। तो मेरा ख्याल है कभी कभी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं आपको अपने लिए। बाबर आजम अगर इसी तरह से खेलते जाएंगे तो मुझे लगता है कि खुद से ज्यादती करेंगे। और आज सवाल हुआ मोहम्मद हफीज से कि बाबर आजम को क्या आप रेस्ट देंगे या नहीं देंगे न्यूजीलैंड की सीरीज में, उन्होंने कहा 1-2 मैचेस में हम इनको रेस्ट दे सकते हैं।